यही कह रहे हैं ना। तो सपोज इसका मेन डिस्कशन आता है, इस प्रॉपर्टी का पहला यूज या मेन यूज आता है, इफ सपोज वी आर डूइंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, ओके। तो इफ आई एम डूइंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, तो एनोड पे क्या क्या रिएक्शंस पॉसिबल है, कैन यू टेल मी? एनोड पे क्या क्या रिएक्शंस पॉसिबल है? बोलो। सो सीएल माइनस गोज टू हाफ सीएल टू प्लस इलेक्ट्रॉन Cl माइनस से हाफ Cl टू प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन ई नॉट कितना है? -1.36 -1.36। और कोई पॉसिबल ऑक्सीडेशन है नोट पे? हाँ, H2O gives 2H++, half O2 वाटर, plus 2 electrons. वाटर का ऑक्सीडेशन, H2O goes to half O2 plus 2H+, सही है? ओके, इसका ई नॉट क्या है? वाटर के तो माइनस ऑक्सीडेशन, वन पॉइंट टू थ्री हाँ ये बिल्कुल याद रखना। नाउ देखो, ओवर वोल्टेज तो हर एक में होता है, लेकिन इस केस में ओवर वोल्टेज का डिस्कशन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये दो ई नॉट वैल्यूज बहुत क्लोज हैं, इनके बीच का डिफरेंस ज्यादा नहीं है। अब अगर मैं ई नॉट वैल्यूज ही केवल देखूं, तो विच इज द मोर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन? विच इज द मोर स्पॉन्टेनियस? वाटर 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 का ऑक्सीडेशन। बट प्रैक्टिकली जब हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं NaCl की, वी फाइंड दैट ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, क्लोरीन इज लिबरेटेड एट एनोड, मतलब एक्चुअली पहला वाला रिएक्शन होता है। तो उसका रीजन क्या है? वी से दैट ऑक्सीजन लिब्रेशन का ओवर वोल्टेज इज मोर देन ओवर वोल्टेज ऑफ क्लोरीन लिब्रेशन। तो अब जरा इस बात को ध्यान से समझते हैं, ये क्या हो रहा है इसमें? ओवर वोल्टेज क्या है? द एक्स्ट्रा वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर लिबरेशन ऑफ स्पीशीज, करेक्ट। अब Cl माइनस को तुमने ऑक्सीडाइज किया,
क्या मिलेगा Cl- को ऑक्सीडाइज करके? हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। नहीं, ये गलत है। Cl- को ऑक्सीडाइज किया क्या मिलेगा? तुम्हें मिलेगा Cl का एक एटम। भाई एक आयन ऑक्सीडाइज होगा उससे क्या मिलेगा? एटम मिलेगा। यस सॉरी, एक एटम मिलेगा। लेकिन क्लोरीन का एक एटम बाहर नहीं निकलता है एनोड की प्लेट से। एनोड की प्लेट के ऊपर तुम्हें क्या निकलता मिलेगा? ये अगर एनोड की प्लेट है तो क्या चीज निकलती हुई मिलेगी यहां से इलेक्ट्रोलिसिस में? तुम्हें क्लोरीन के बबल्स निकलते हुए मिलेंगे, करेक्ट? ओके, यस और नो? यस सर। तो क्लोरीन आयन के ऑक्सीडेशन से क्लोरीन का एटम बना। फिर अगला स्टेप क्या होगा? इसमें दो एटम्स कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल बनाएंगे, करेक्ट? ये हुआ एक। और फिर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके एक बबल बनाएंगे। क्लोरीन के एक बबल में बहुत सारे Cl2 के मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये जो दो स्टेप आगे के हो रहे हैं भाई, इनमें भी एनर्जी या वोल्टेज चाहिए। और दिस इज द रीजन ऑफ ओवर वोल्टेज। पहले स्टेप को कहते हैं मॉलिक्यूल फॉर्मेशन ओवर वोल्टेज, और दूसरे स्टेप वाले को कहते हैं बबल ओवर वोल्टेज। और सेम काम ऑक्सीजन में हो रहा है। अब ऑक्सीजन अगर ऑक्सीडाइज होगा तो पहले तो एक ऑक्सीजन का एटम बनेगा, फिर एक मॉलिक्यूल बनेगा, और फिर बबल बनेगा, ठीक है? तो इन स्टेप्स में जो एक्स्ट्रा वोल्टेज लग रहा है, इन स्टेप्स का एक्स्ट्रा वोल्टेज इज ओवर वोल्टेज, ठीक है? ये क्लियर है सबको? तो वो उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ओवर वोल्टेज होता है। स्पीशीज को लिबरेट करने के लिए जो एक्स्ट्रा वोल्टेज लगे वो ओवर वोल्टेज होता है। ओके सर, मतलब वो एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है क्या? भाई एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा ना। देखो, क्लोरीन के दो एटम को जब कंबाइन होके क्लोरीन का मॉलिक्यूल बनाना है तो Cl2 मॉलिक्यूल में दो क्लोरीन एटम्स के बीच एक सिंगल बॉन्ड है, करेक्ट? यस और नो? ये सिग्मा बॉन्ड होगा। अब क्लोरीन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन क्या है? बोलो, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन ऑफ क्लोरीन एटम? यस टू थ्री पी फाइव। टू पी फाइव मतलब पी सबशेल में, सॉरी थ्री पी फाइव। पी सबशेल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट? तो दो क्लोरीन एटम्स में जब वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड करे तो Cl2 मॉलिक्यूल बनेगा। तो सपोज एक क्लोरीन एटम में वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन pz में है, दूसरे में भी pz में है, तो उनके बीच बॉन्ड तभी बनेगा जब दोनों क्लोरीन एटम एक दूसरे को z एक्सिस में अप्रोच करें। यस और नो? यस सर।
So there is a orientation gradient. So there is a orientation barrier here. कुछ activation energy चाहिए होगी, correct? Whereas in oxygen double bond बनना है, correct? Double bond का orientation barrier will be much more. And that is the reason why oxygen has a higher over voltage. Double bond formation. Double bond formation will have a larger orientation barrier. ठीक है, लार्जर ओरिएंटेशन बैरियर, हेंस द ओवर वोल्टेज ऑफ ओ टू फॉर्मेशन इज greater than Cl2 formation. ठीक है, ये क्लियर है सबको? हाँ सर. तो इसलिए NaCl aqueous की इलेक्ट्रोलिसिस में क्लोरीन लिबरेट होता है, नॉट ऑक्सीजन. तो इसके लिए ना व्हाट आई सजेस्ट यू भाई, सब लोग एक ये टेबल सा बना लो अगर नहीं बनाया हो, अगर है तुम्हारे नोट्स में तो इट इज वेल एंड गुड. एनोड पे क्या क्या चीजें लिबरेट होती है, क्या आयन डाला है और क्या लिबरेट होता है. तो देखो, एनायंस को जनरली, कॉमन एनायंस को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं. पहली कैटेगरी है एनायंस की हलाइड्स. ओके, तो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ एनायन इज हलाइड्स. क्या क्या है हलाइड्स? Br माइनस, I माइनस, Cl माइनस एंड F माइनस. ठीक है, ओके. तो अगर I माइनस है आपका एनायन तो हमेशा आपको इलेक्ट्रोलिसिस में I2 मिलेगा, Br माइनस है तो Br2 मिलेगा. क्योंकि देखो इनका भी ओवर वोल्टेज वाटर से कम है लेकिन इनकी ई नॉट वैल्यू वाटर से बहुत ज्यादा है. तो यहां का डिस्कशन हम इस आई माइनस या बी आर माइनस है, तो हम ओवर वोल्टेज के डिस्कशन को बीच में ही नहीं लाते हैं. ओके, और एफ माइनस का अगर एनायन है तो एनोड का प्रोडक्ट हमेशा ओ टू होगा. ओके, क्योंकि F माइनस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इतना कम है वाटर से कि ओवर वोल्टेज भी कुछ नहीं कर पाता है. ओवर वोल्टेज F माइनस का कम है ऑक्सीजन से, बट द ई नॉट गैप इज सो लार्ज दैट ओवर वोल्टेज कांट डू एनीथिंग. ओके, यहां तक क्लियर है सबको? यस. Cl माइनस अगर एनायन है तो प्रोडक्ट इज Cl2. And although इसका E not कम है, this is due to over voltage. And O2 for a very
डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर बहुत डाइल्यूट NaCl का सॉल्यूशन ले लिया तो ऑक्सीडेशन पे ऑक्सीजन ही निकलेगी, क्योंकि तब ई वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। क्लियर? ये क्लियर है इतना? आगे चले? यस सर। और दूसरी कैटेगरी हो सकती है ऑक्सो आयन विथ सेंट्रल एटम इन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, फॉर एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या ले सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट एक्सेट्रा। ओके, तो ऑक्सीजन लगाए और सेंट्रल एटम अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ऐसे केसेस में सेंट्रल एटम तो ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता है, एंड द प्रोडक्ट इज ऑलवेज O2। वाटर की ऑक्सीडेशन होगी और O2 बनेगा। ठीक है, सर। डाइल्यूट सॉल्यूशन Cl माइनस नहीं भाई, तुम ये इनकी तुमने E नॉट वैल्यू कंपेयर की है ना? हाँ सर। E नॉट वैल्यू कब वैलिड होती है? जब उस एनायन की मोलारिटी 1 हो। हाँ। अगर बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन लोगे तो E नॉट नहीं, मुझे E वैल्यू यूज करनी पड़ेगी। नंस्ट इक्वेशन से E निकालूंगा, मोलारिटी बहुत कम है तो E और बहुत कम हो जाएगा, तो गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, उतना गैप ओवर वोल्टेज कवर नहीं कर पाएगा। ओके सर, ऑक्सोनियम में सेंट्रल एटम क्यों नहीं होगा ऑक्सीडाइज? वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, और कहां जाएगा? सल्फर सल्फेट में +6 में, उससे हायर हो ही नहीं सकती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। गॉट इट सर, गॉट इट। तो ये तब डिस्कशन करेंगे जब तुम एनोड की प्लेट को, जब एनोड की प्लेट प्लैटिनम की होगी। ओके, ठीक है। इसमें दूसरा तुमसे क्या क्या कई बार दे सकते हैं कि प्लेट को किसी एक्टिव मेटल का कर दो प्लैटिनम के अलावा। प्लैटिनम इज अ इनर्ट मेटल, किसी एक्टिव मेटल का कर दे प्लेट को। करेक्ट? ऐसे केस में एनोड पे क्या रिएक्शन होगा? जो इस प्लेट का मेटल है वो खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, मतलब दिस विल आल्सो बी अ पॉसिबल रिएक्शन। और फिर तुम्हें कंपेयर करना पड़ेगा कि कौन सा सबसे ज्यादा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, इज ऑल्सो अ पॉसिबल रिएक्शन। तो बेसिकली देखो, अगर तुम एक्वस NaCl ही डिस्कस करो तो यहां एक्चुअली एक और पॉसिबल रिएक्शन था। प्लैटिनम की जो प्लेट है दैट गोज टू Pt2+2 इलेक्ट्रॉन, बट इसका E0 3 वोल्ट से ज्यादा है, तो हम लोग इसको कंपेयर ही नहीं करते हैं कि प्लैटिनम के ऑक्सीडाइज होने से पहले तो सारा पानी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्लियर? तो इसलिए हम प्लैटिनम वाला कंसिडर नहीं करते हैं। लेकिन सपोज मेरे पास कोई ऐसा मेटल है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1.23 से कम है, तो वो मेटल ऑक्सीडाइज हो जाएगा इस केस में।
ठीक है सर, मर्क्यूरी का क्या होगा? मर्क्यूरी का क्या होगा मतलब उसका इनोड, मर्क्यूरी का इनोड देखो बुकलेट में पीछे टेबल दी है ना, तो एनोड पे प्रोडक्ट डिस्कशन ऐसे करेंगे, ओके अच्छा। इसी तरह कैथोड पे भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग केस आता है, कैथोड पे अगर आपको डिसाइड करना है प्रोडक्ट क्या है, कैथोड का प्रोडक्ट डिसीजन करना है, तो कैथोड पे अगर हाईली एक्टिव मेटल है कैटायन, हाईली एक्टिव मेटल, हाईली एक्टिव मेटल हम इन किनको कहते हैं, हाईली एक्टिव मेटल वो है जिनकी इनोट वैल्यू -0.83 से ज्यादा है। तो अगर हाईली एक्टिव मेटल है तो वो मेटल का कैटायन ही रिड्यूस होगा एंड दैट मेटल विल गेट डिपॉजिटेड। अगर लेसर एक्टिव मेटल है लेसर एक्टिव मेटल मतलब उसकी इनोट वैल्यू -0.83 से कम है, तब उस मेटल के कैटायन इलेक्ट्रोलाइज नहीं होगा, तब वाटर रिड्यूस होगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये डिस्कशन व्हेन द प्लेट इज ऑफ प्लैटिनम, इसमें क्या होता है कैथोड में एक इम्पोर्टेंट केस आता है, अगर कैथोड हम मरकरी का बना दे, लिक्विड मरकरी का अगर कैथोड बनाए, देन फॉर ऑल मेटल्स वेदर हाईली एक्टिव और सॉरी उल्टा लिख गया यार, वेट 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 माय मिस्टेक सॉरी just wrote opposite, highly active metal jiski not value -0.83 से कम है तो उनके रिडक्शन पे तुम्हें हाइड्रोजन मिलेगा और लेसर एक्टिव मेटल, हाईली एक्टिव मेटल में 1A, 2A और एल्यूमिनियम आएंगे, लेसर एक्टिव मेटल में जिनकी इनोट वैल्यू ग्रेटर है -0.83 से उसमें वो मेटल मिलेगा, प्लेट जब प्लैटिनम की हो। और अगर प्लेट मरकरी की हुई तो फॉर ऑल मेटल्स चाहे हाईली एक्टिव हो या लेसर एक्टिव हो, फॉर ऑल मेटल्स वो मेटल ही मिलेगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है?
ओवर वोल्टेज ऑफ एच टू लिब्रेशन ऑन एच जी इज वेरी हाई. ठीक है, इसको समझें जरा डिटेल में, ये क्या हो रहा है. कैन एनी बडी एक्सप्लेन दिस नाउ, वाई इज ओवर वोल्टेज ऑफ एच टू लिब्रेशन ऑन एच जी वेरी वेरी हाई. सर डिसॉल्व हो गया है जी में, मर्क्यूरी में डिसॉल्व हो गया. क्या डिसॉल्व हो गया? H2 गैस और H प्लस. एनीबॉडी एल्स? सर अमैलगम नहीं बनेगा. देखो, नाउ सपोज यू आर डूइंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, तो तुम्हारे पास क्या दो पॉसिबल रिएक्शन है, Na प्लस प्लस आ इलेक्ट्रॉन गोज टू सोडियम और वाटर से H2O प्लस इलेक्ट्रॉन गोज टू ऑफ H2. ठीक है, अब बात ये समझने की है, अगर प्लैटिनम की प्लेट ली मैंने तो प्लैटिनम तो सॉलिड है, करेक्ट? यस और नो? तो इस सॉलिड प्लैटिनम के ऊपर अगर सोडियम एटम आया तो सोडियम एटम को भी सॉलिड बन के डिपॉजिट होना पड़ेगा इसके ऊपर. ओके, यस और नो? यस. सोडियम एटम को सॉलिड बन के डिपॉजिट होना पड़ेगा, इसका क्या मतलब है? सोडियम एटम को इसकी लैटिस में कंबाइन होना पड़ेगा. ऑलरेडी प्लैटिनम की एक लैटिस बनी होगी, उस लैटिस में जाके अपने आप को सोडियम एटम को फिट करना पड़ेगा. अब लैटिस में फिट करने के लिए उसको बहुत सारे ओरिएंटेशन बैरियर्स प्रॉपरली सेटिस्फाई करने पड़ेंगे, हर डायरेक्शन से प्रॉपरली जाके उस लैटिस में अपने आप को अटैच करना पड़ेगा, क्योंकि लैटिस इज अ थ्री डायमेंशनल रेगुलर अरेंजमेंट. यस और नो? यस सर. तो इसलिए उसका ओरिएंटेशन बैरियर, उसका ओवर वोल्टेज बहुत हाई है. और दूसरा, वाटर के रिडक्शन से क्या बनेगा? हाइड्रोजन एटम, करेक्ट? अब हाइड्रोजन और प्लैटिनम इज अ वेरी गुड एब्जॉर्बर, यू नो. ओके, तो एक जो हाइड्रोजन एटम बना उसको प्लैटिनम प्लेट एब्जॉर्ब कर लेगी और दूसरा हाइड्रोजन एटम उस स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम से आके बॉन्ड बना लेगा, तो H2 का फॉर्मेशन प्लैटिनम के ऊपर बहुत इजी होता है, बिकॉज प्लैटिनम इज अ वेरी गुड एब्जॉर्बर. वरना H2 मॉलिक्यूल बनने के लिए HH एटम के कोलिजन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी, बिकॉज हाइड्रोजन इज अ वेरी स्मॉल एटम. नाउ इफ आई कंपेयर दिस थिंग ऑन अ मरकरी, लिक्विड मरकरी इलेक्ट्रोड, तो मरकरी डज नॉट एब्जॉर्ब हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन एटम बना जो इसके ऊपर, वो एब्जॉर्ब होगा नहीं. अब मॉलिक्यूल बनने के लिए दो हाइड्रोजन एटम्स को कोलाइड करना है बॉन्ड बनाने के लिए, वो कोलिजन की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ हाइड्रोजन, और दोनों हाइड्रोजन मूव कर रहे हैं. और ऊपर से क्या होता है, अब जो सोडियम एटम बना रिड्यूस होके, उसको किसी लैटिस में कंबाइन नहीं होना है, उसको एज एटम जाके लिक्विड मरकरी में मिक्स हो जाना है.
तो उसका वो जो सारा ओवर वोल्टेज है वो खत्म हो गया, वो जो हाई ओरिएंटेशन लैटिस अटैचमेंट वाला ओवर वोल्टेज है वो खत्म हो गया। तो सोडियम क्या वाला प्रोसेस बहुत इजी हो जाता है और हाइड्रोजन वाला प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ओवर लिक्विड मरकरी। ओके, एंड देयरफॉर हाईली एक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम आल्सो गेट रिड्यूस्ड इफ वी हैव अ लिक्विड मरकरी कैथोड। समझ में आया? यस सर। तो दिस इज द होल ओवर वोल्टेज। कुछ नहीं होगा, होगा ही नहीं ना वाटर का रिडक्शन। सर मतलब हाइड्रोजन को क्या बैरियर क्रॉस करना होगा? कोलाइड करना है, H2 बनाना है। हाइड्रोजन मेटल थोड़े ना कि मरकरी से मिक्स होके अमलगम बनाएगा, वो मेटालिक बॉन्ड नहीं, मेटालिक बॉन्ड नहीं बना पाएगा ना मरकरी से। ओके, तो ओवर वोल्टेज वाला पार्ट क्लियर है? यस सर। एनोड और कैथोड पे प्रोडक्ट कैसे डिसाइड होते हैं वो क्लियर है? चलो सॉल्यूशन की बुकलेट के जो प्रॉब्लम्स बचे थे प्रीवियस पेज दिखा सकते हो? सर इसके पहले का सर एनोड वाला पेज। हो गया सर। क्या क्या प्रॉब्लम्स थे? 4, 5, 7 फोर्थ प्रॉब्लम क्या गिवन है फोर्थ प्रॉब्लम में? एक मिनट, लेट मी ओपन द बुकलेट। हाँ, फोर्थ प्रॉब्लम क्या गिवेन है? अ 0.02 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन इज सेपरेटेड फ्रॉम 0.05 मोलर यूरिया। ओके, टू विच सॉल्यूशन एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना है और कितना प्रेशर? भाई ऑस्मोसिस क्या थी? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो प्रेशर किस पे अप्लाई करना होता है हमेशा बताओ, डाइल्यूट पे कि कंसेंट्रेटेड पे? टेल मी, किस पे प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा कि ऑस्मोसिस रुक जाए? कंसेंट्रेटेड पे। तो किस पे अप्लाई करना है जिसकी मोलारिटी ज्यादा है, मतलब यूरिया सॉल्यूशन पे। और कितना अप्लाई करना पड़ेगा? डिफरेंस कर लोगे? अब ये वैल्यूज रख दो, टेम्परेचर कितना गिवेन है? 25। ठीक है, फिफ्थ प्रॉब्लम में क्या गिवेन है? ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ लिथियम कार्बोनेट और उसकी सॉल्युबिलिटी दी है 1.54 ग्राम
पर लीटर निकालो, पहले तो मोलारिटी निकाल लो, 1.54 ग्राम। लिथियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होगा? 74। और वेंट ऑफ फैक्टर है 3। निकाल लो ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आ जाएगा, आईसीआरटी। सही है? Yes, of course. सॉल्यूशन जिसका वेपर प्रेशर 751 है, तो 750, और प्योर वाटर का वेपर प्रेशर होता है 0 डिग्री पे 760, करेक्ट? सही है? तो लोरिन कितनी है, राउल्स लॉ लगाते हैं, दिस विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। सही है? तो कितना आ गया ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, 9/760। ओके, तो अब इस सॉल्यूशन की मोलारिटी क्या होगी, मतलब सॉल्यूशन में अगर 9 मोल सॉल्यूट है तो 751 मोल वाटर है, तो मोलारिटी मैं कैसे लिख सकता हूं, 9/751 मोल्स वाटर का मास इतना हो जाएगा, और वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर एमएल, तो इतने ही एमएल वाटर हो गया, तो लीटर्स में इतना हो गया, तो कितनी आ गई मोलारिटी, 500/751 रफली 2/3, ये मोलारिटी आ गई। तो अब निकाल लो ऑस्मोटिक प्रेशर कितना हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा 2/3 × 0.0821 × 373। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। पार्ट सी में क्या गिवेन है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 101 है, और अज्यूम करना है डेंसिटी सॉल्यूशन की 1 है, तो बॉइलिंग पॉइंट 1 है, डेल्टा टी 1 है, केबी 0.52 दिया है, तो इससे मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन आ गया 1/0.52। सॉल्यूशन की डेंसिटी 1 ग्राम पर एमएल दी है, मतलब सॉल्यूशन की मोलारिटी और मोलालिटी बराबर है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया πcrt। ठीक है, ओके, सेवेंथ प्रॉब्लम। सेवेंथ में केबी निकालना है, केबी का तो यार फॉर्मूला दिया था, आर टी नॉट स्क्वेयर किसका निकालना है, वाटर, वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 373 बाय 1000 एलवी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पर ग्राम, और यहां दिया है पर मोल 40970/80। ये निकाल लो, क्लियर है ये? सर आपने फिफ्थ के सी पार्ट में मोलालिटी को मोलारिटी का सेम क्यों बोला? भाई सॉल्यूशन की डेंसिटी 1 ग्राम पर एमएल दी है ना? हाँ सर। और प्योर वाटर की भी डेंसिटी 1 ग्राम पर एमएल होती है।
राइट राइट मतलब दिस इज अ एक्सट्रीमली डाइल्यूट सॉल्यूशन यस सर तो 1 लीटर सॉल्यूशन का मास 1 केजी है यस सर एंड दैट इज ऑलमोस्ट द मास ऑफ सॉल्वेंट यस सर गॉट इट सेवेंथ के बाद अगला क्या था 10 टेंथ प्रॉब्लम क्या गिवन है टेंथ में इफ 30 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट 154 इज डबल्ड इन 250 ग्राम बेंजीन डबल्ड मतलब डाइमराइज हो रहा है ओके बॉइलिंग पॉइंट निकालना है 2.61 मोलल के भी दिया है तो भाई निकालो डेल्टा टी कितना होगा केबी 2.61 मोलालिटी कितनी दी है कितना सॉल्यूट है 30 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट 154 250 ग्राम्स बेंजीन है और वेंट ऑफ फैक्टर हाफ कर लोगे ये क्लियर है और सर इससे जो आंसर आ रहा है वो मैच नहीं कर रहा इस वो जो आंसर आ रहा है वो टी में ऐड कर लिया हाँ सर इसका आंसर 1.016 आ रहा है 1.016 अच्छा तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया कितना दिया 80.1 प्लस ये हाँ तो आंसर मैच नहीं हो रहा ये नहीं नहीं सर पीछे आंसर दिया 82.1 ठीक है ये करेक्ट है आंसर ओके ओके सर 15 फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 सीसी ऑफ इथाइलीन ग्लाइकॉल इन 50 ग्राम वाटर इज -34 डेंसिटी निकालनी है तो भाई डेल्टा टी 34 केएफ दिया है 1.86 मोलालिटी हो जाएगी 50 सीसी है तो मास हो गया 50 इंटू डेंसिटी बाय 62 मोलर मास अपॉन वाटर का वेट इन केजी 50/1000 इससे आंसर डी निकाल लो कर लोगे ये कैलकुलेट चले आगे और सर क्वेश्चन 14 में बस आप एक बार बोल सकते हो कि हम लोग आई का वैल्यू क्या लेंगे 1 हमें मालूम ही नहीं ए बी क्या है ओके तो मॉलिक्यूलरिटी नहीं ले सकते ना नहीं ले सकते भाई हमें क्या मालूम वो आयनिक कंपाउंड है कि कोवेलेंट है और बेंजीन के अंदर कोई चीज ब्रेक थोड़े ना होती है ओके सर अंडरस्टूड 16 1 ग्राम ऑफ मोनोबेसिक एसिड व्हेन डिसॉल्वड इन 100 ग्राम वाटर लोअर ये 16 18 तो आई थिंक क्लास में किया है 16 और 18 किया नहीं है क्या सर 18 किया था आई थिंक 16 आई एम नॉट श्योर 16 नहीं किया चलो देख लो तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कितना है 0.168 0.168 इज 1.86 इनटू 1 बाय मोलर मास और कितने वाटर में डिसॉल्व किया 100 ग्राम और वेंट ऑफ फैक्टर हो गया 1 प्लस अल्फा और दूसरी वॉल्यूमेट्रिक की एक्सप्रेशन क्या दी है 0.2 ग्राम को डिसॉल्व किया है 0.2 बाय मोलर मास ये मोल्स हो गए
50, ये इक्विवेलेंट हो गए करेक्ट। तो इस इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन से मोलर मास निकाल लो, वो पहली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो अल्फा मिल जाएगा। क्लियर है सर? आपने वैंट हॉफ फैक्टर को 1 प्लस अल्फा कैसे लिया? वैंट हॉफ फैक्टर का क्या फॉर्मूला बताया था बताओ? सर 1 प्लस y माइनस 1 अल्फा। मोनो बेसिक एसिड का y 2 होगा। ओ अरे हाँ ठीक है सर, समझ गया। ओके चलो एक चीज आज और एक करते हैं। FBS के डाउट्स कंप्लीट हो गए ना? सॉल्यूशन ऑफ टू वॉलेटाइल लिक्विड। तो अब हम लोग ऐसी एक सिचुएशन डिस्कस करते हैं। कि एक कंटेनर में दो लिक्विड्स हैं ए और बी और दोनों ही वॉलेटाइल है करेक्ट, मतलब दोनों वेपर फेज में जाएंगे करेक्ट। इस लिक्विड के ऊपर यहाँ ए और बी दोनों ही आएंगे वेपर फॉर्म में, दोनों वोलेटाइल है, दोनों इवेपोरेट होंगे ओके, दोनों बॉइल होंगे। तो ऐसे केस में अब इस सॉल्यूशन का प्रेशर कैसे निकालेंगे? हाउ वी विल प्रोसीड हियर? तो देखो राउल्स लॉ हम लोग याद करें तो राउल्स लॉ में क्या हो रहा था, जितना मोल फ्रैक्शन था एक लिक्विड का वो उतना प्रेशर अप्लाई कर रहा था। यस सर। तो यहां अगर लिक्विड फेस में लेट से ए का मोल फ्रैक्शन एक्स ए है और बी का मोल फ्रैक्शन एक्स बी है, तो व्हाट विल बी पार्शियल प्रेशर अप्लाइड बाय ए? एक्स ए इंटू पी ए नॉट, वेयर पी ए नॉट इज प्रेशर ऑफ प्योर ए, एंड व्हाट विल बी प्रेशर अप्लाइड बाय बी? एक्स बी इंटू पी बी नॉट। So what will be total pressure of the solution? Vapor pressure of this solution will be xA PA naught plus xB PB naught. सही है? ये clear है? है clear सबको कि नहीं है? सर एक्स ए मतलब वो ए जो अभी लिक्विड में है, वेपर नहीं बना रहे। हाँ, लिक्विड का मोल फ्रैक्शन और इसके साथ मान लो वेपर में इक्विलिब्रियम में मोल फ्रैक्शन ए और बी के मैं कहता हूं वाई ए वाई बी है, तो वाई ए कैसे दे सकते हैं? गैस फेस में तो मोल फ्रैक्शन आई कैन गिव एज पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर बाय डाल्टन्स लॉ। Yes, sir. तो वाई ए कितना हो जाएगा? पी ए बाय पी सॉल्यूशन दैट इज एक्स ए पी ए नॉट अपॉन सही है
और सिमिलरली वाई बी क्या हो जाएगा? ओके नोट करो, कर लिया नोट? यस सर। चलो बुकलेट निकालो जरा। तो ये कंप्लीट कर लेते हैं आज FBS। ट्वेंटी टू 28 क्विकली अटेम्प्ट करो, बहुत इजी प्रॉब्लम्स हैं राउल्ट्स लॉ के। सर मुझे एक डाउट आ रहा था यहाँ पे। बोलो सर। यहाँ पे पी सॉल्यूशन इज द प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्लस द वेपर का प्रेशर ना ऊपर जो लिक्विड के। पी सॉल्यूशन इज द प्रेशर ऑफ वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन। यस सर वही। सो सर उसके जो हमने फॉर्मूला लिखा है उसमें वी हैव टेकन द मोल फ्रैक्शंस ऑफ द ए इन द लिक्विड। यस लिक्विड में जितना मोल फ्रैक्शन होगा ए का उसी के प्रोपोर्शनल ए के मोल्स ऊपर वेपर में जाएंगे ना। हाँ समझ गया, अभी समझ गया सर। गॉट इट। चलो स्टार्ट करो सब लोग, 10-15 मिनट में डिस्कस करेंगे। आई एम म्यूटिंग एवरीबॉडी टिल नाउ देन।
हो गए कंप्लीट? कोई डाउट है सर? दो क्वेश्चन बाकी हैं, एक मिनट। अच्छा चलो लास्ट दो, एक मिनट रोको। 27, 28, उससे 26 तक किसी को कोई डाउट है सर? 23। ओके, क्या दिया है? अ बीकर कंटेन्स 20 ग्राम शुगर इन 100 ग्राम वाटर एंड अनदर बीकर कंटेन्स 10 ग्राम शुगर इन सेम मास ऑफ वाटर। दे आर प्लेस्ड अंडर अ जार अलाउड टू स्टैंड टिल इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। ओके, हाउ मच वाटर विल ट्रांसफर टू फ्रॉम वन बीकर टू अनदर? तो क्या दिया है इस प्रॉब्लम में? तो ऐसे दो बीकर्स हैं जिनमें सॉल्यूशन है और ऐसे एक जार के अंदर प्लेस है। एक में 20 ग्राम शुगर है 100 ग्राम वाटर में और एक में 10 ग्राम शुगर है। तो भाई दोनों के ऊपर वाटर वेपर प्रेजेंट होगी, यस और नो बताओ? यस सर। दोनों के ऊपर जो वाटर वेपर प्रेजेंट होगी क्या उसका प्रेशर सेम होगा? यस सर। सेम होगा। सॉल्यूशंस की में शुगर का मोल फ्रैक्शन अलग अलग है तो दोनों में अलग अलग लोअरिंग होगी वेपर प्रेशर की, तो सेम नहीं होगा? सेम नहीं होगा ना सर, बट सेम कंटेनर में है ना, तो सेम होना। तो पहले तो सेम नहीं है, तो अब क्या होगा? वाटर वेपर विल फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, ठीक है? Yes, और यहां से यहां फ्लो करेगी, लेकिन इस बीकर के ऊपर तो इसके इससे हायर वेपर प्रेशर अलाउड ही नहीं है, तो क्या होगा यार? वाटर वेपर कंडेंस हो जाएगी। आर यू गेटिंग द लॉजिक? यस सर। वाटर वेपर कंडेंस हो जाएगी तो यहां पानी बढ़ जाएगा, मोलैरिटी कम हो जाएगी, और यहां से कुछ वाटर वेपर गई तो यहां से और वाटर इवेपोरेट होगा, ठीक है? तो ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक दोनों सॉल्यूशंस में मोल फ्रैक्शन शुगर का बराबर ना हो जाए, करेक्ट? यस सर। तो भाई इसमें 20 ग्राम शुगर है तो मोल फ्रैक्शन कितना हुआ? 20/342, 100 ग्राम वाटर में और x ग्राम वाटर और आ गया, तो फाइनली ये मोल फ्रैक्शन होगा और इधर मोल फ्रैक्शन क्या होगा? सही है? यस सर। और ये दोनों मोल फ्रैक्शन बराबर होने चाहिए। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो एक्स की वैल्यू निकल आएगी यहां से। निकाल लोगे अब एक्स की वैल्यू? यस सर। अगला बोलो, और कोई डाउट 26 तक? और कोई डाउट नहीं 26 तक? बोलो यस और नो? नो डाउट। ओके, 27 and 28 आई विल डिस्कस टुमारो, उसको होमवर्क में कर लो, अटेम्प्ट कर लो, ठीक है? और कल थोड़ा एफबीओ का भी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, ओके?
एफ बी ओ भी तुम आगे स्टार्ट कर सकते हो, 63 तक किया है ना तुम लोगों ने? हाँ सर, वो भी थोड़ा आगे स्टार्ट कर सकते हो। ओके यस सर, चलो भी बोलो सर। कहाँ कर सकते हो पूरा? देखो अब थोड़ा सा ही पार्ट बचा, एक तो डिस्टिलेशन वाला और दूसरा नॉन आइडियल सोल्यूशन, तो अटेम्प्ट कर लो जितने कर सकते हो। 90 तक है ना ये एक्सरसाइज एसबीओ? हाँ तो अटेम्प्ट करो 90 तक, बीच में कुछ कुछ नहीं कर पाओगे अभी, ठीक है? ओके सर, चलो विल स्टॉप हियर टुडे, बाय एवरीबॉडी। थैंक यू सर, थैंक यू सर।